Next is the force between two parallel current carrying conductors. It is observed that two parallel current carrying conductor always attract each other. दो कंडक्टर जो है सेम डायरेक्शन में उनमें करंट चल रहा हो वो अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा हो तो वो रिपेल करते हैं. एंड लेट अस डिस्कस दिस. मान लेते हैं मेरे पास दो कंडक्टर हैं, टू पैरेलल कंडक्टर. दिस इज अ कंडक्टर नंबर वन, मैंने इसको वन लिख दिया. दिस इज अ कंडक्टर नंबर सेकेंड, और इसमें जो है करंट चल रहा है, करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज करंट. फर्स्ट कंडक्टर है तो इसमें करंट मैं मान लेता हूँ आई वन चल रहा है, और जो है मैंने बोला करंट दोनों में पैरल, टू पैरल कंडक्टर्स, और इसमें जो है दोनों में करंट जो है सेम डायरेक्शन में. तो और ये कंडक्टर नंबर टू, एंड इसमें जो करंट चलेगा वो चलेगा वो दैट इज आई टू, आई टू. और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर, दैट इज स्मॉल आर. स्मॉल, राइट. तो ये हमें ये भी पता है, वी नो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रेट कंडक्टर जो है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. इफ आई होल्ड द कंडक्टर इन आवर फिंगर देन माय थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड माय थर्ड फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस कंडक्टर. तो मान लेते हैं ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये वाला कंडक्टर नंबर वन, ये जनरेट करेगा बी वन, ये बी वन, और ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ये करेगा बी टू. इसके अराउंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा दैट इज डायरेक्शन इज लाइक दिस, ठीक है. तो इस ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो ड्रॉ कीजिए इसको. तो ये एक रिंग बन गया इस रेडियस आर, ये आर है तो इसका रेडियस आर. अभी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन आ रहा है. अब ये कंडक्टर नंबर सेकंड भी जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, राइट. इसकी मैग्नेटिक फील्ड में, और इस पॉइंट में मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो बी वन मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं. तो बी वन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना ये अंदर की तरफ इनवर्ड. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी वन. अब ये कंडक्टर नंबर जो है सेकंड जो है पहले कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, इसका ये मतलब हुआ. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ये भी इस तरह से, इट विल जनरेट इट्स ऑल रिंग, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है. ड्रॉ कीजिए रिंग साथ में. इस रिंग का रेडियस भी स्मॉल आर. अब डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड का, करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. तो ये दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का. इस पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन देखना है मैग्नेटिक फील्ड का तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड बी टू है, दैट इज बी टू. And current in the upward, that is I. अब single conductor पे जो है r distance पे, single conductor पे जो है r distance पे जो magnetic field है वो कितना होता है? B is equal to mu not I upon 2 pi r. ये magnetic field है single conductor का r distance पे. तो B1 यहाँ पे जो B1 का वैल्यू है, तो B1 का वैल्यू मैं लिखूंगा B1 is equal to mu naught I1, I1 के कारण यह है B1, right? Divide by 2 pi R. और जो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया उसका मैग्नेट्यूड B2, that is equal to mu naught I2 divide by 2 pi R. ये दोनों का मैग्नेटिक. By Fleming left hand rule, देखो ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया ये दूसरे वाला, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया ये. यहाँ पे इस पॉइंट पे इस कंडक्टर को
फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रही है, तो करंट इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मेरी ये वाली फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये वाली फिंगर बताती है करंट का डायरेक्शन, और थंब बताता है, थंब किसका डायरेक्शन बताता है फोर्स का, ठीक है। तो अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स किधर बोलेगा, फोर्स किधर बोलेगा, इन द इनवर्ड डायरेक्शन, ये लगा फोर्स, ठीक है। इसमें यहां पे ये कंडक्टर नंबर वन जो है, इस दूसरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बी टू में रखा हुआ है, राइट। जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, रखा बी टू में है, करंट इसमें आई वन चल रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसकी तरफ अपनी फिंगर कर लो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, तो मेरे अंगूठे का डायरेक्शन किधर वो आ गया, इनवर्ड, राइट। तो इधर आ गया फोर्स, ये आ गया फोर्स, ठीक है। तो दोनों फोर्सेज जो है, और फोर्स के लिए क्या एक्सप्रेशन है, कंडक्टर पे जब वो ऊपर फोर्स लगती है, दैट इज इक्वल टू, क्या एक्सप्रेशन है, बी आई, बी आई एल, राइट। अब इसको मैं नेम दे देता हूँ, राइट। इसके ऊपर जो है ये फोर्स लग रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी वन है, तो ये एफ वन फोर्स लग रहा है, और इसके ऊपर जो है F2 लग रहा है, और यहाँ से मैं डायग्राम से जो है टू पैरेलल कंडक्टर्स जो है दोनों का फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। द टू कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब F1 यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ये फोर्स F1 है, तो फॉर्मूला किसके बीच में लगेगा, F1 I2 और B1 के बीच में, सिंपल इस पॉइंट पे फॉर्मूला जो है इंप्लीमेंट करना है। तो F1 मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, B1 करंट कौन सा है, I2, और यहाँ पे लगाना है मुझे F2 कितना बना, F2 इज इक्वल टू B2 I1 लेंथ, लेंथ क्या है, इन कंडक्टर्स की लेंथ है, ठीक है। अब B1 मैग्नेटिक फील्ड ये है, B1 का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। B1 का वैल्यू पुट कीजिए, तो कितना है मेरे पास, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2πr, और I2 यहाँ ऑलरेडी है एंड लेंथ, ठीक है। और B2 म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2πr, और ये I1 और ये लेंथ, तो दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ most important is small f is equal to, I will say that force per unit length F1, ये length मैं इधर divide में लेता हूँ, length is equal to mu naught I1 I2 upon 2πr, force per unit length is equal to mu naught I1 I2 divided by 2πr। अब जो है suppose मान लेते हैं I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere, दोनों current जो है conductor है उनमें जो है 1 ampere current जो है flow कर रहा है, और दोनों के जो बीच का distance है that is equal to 1 meter, two parallel conductors carrying current I1 and I2 having equal magnitude and put at a distance of 1 meter apart, then what is the amount of force per unit length due to which they will attract each, कैसे वो अटैक करते हैं, तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं यहां से, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड बाय 4π बन जाएगा यहां से, 2 इनटू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4π I1 I2 डिवाइड बाय r, ठीक है। तो f बन जाएगा f इज इक्वल टू 2 इनटू
this is equal to 10 raised to power minus 7 or AB1 or AB2, right? तो force है that is equal to न्यूटन पर मीटर, इसके जो यूनिट माने क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है, मैं बोलूंगा न्यूटन पर मीटर, राइट? तो क्या बन गया मेरे पास, ये फोर्स इज इक्वल टू 2 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। तो ये क्या है, अब यहां से 1 न्यूटन को आप डिफाइन कर सकते हो, यहां से 1 न्यूटन का डेफिनेशन निकलता है, 1 न्यूटन वो फोर्स। तो इफ टू कंडक्टर्स, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट, विद ए फोर्स, विद ए फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर, राइट? दिस इज द फोर्स ड्यू टू जिस अमाउंट से वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो दूसरा मेरे पास केस है ये, सेकंड वन इज अगर करंट का डायरेक्शन जो है चेंज कर दिया, ये इसमें करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में और इसमें जो है करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? ये कंडक्टर नंबर वन, ये कंडक्टर नंबर टू, ये डायग्राम आप बनाओगे भी, ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ये बी वन जनरेट करेगा, ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ये बी टू जनरेट करेगा, ठीक है? अब इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो इस तरह से रिंग बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर मैं इसको बना लूं तो कुछ इस तरह से ये रिंग बनेगा और ये डायरेक्शन रहेगा, ये डायरेक्शन रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वन, ठीक है? करंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, करंट डाउन तो लाइंस ऐसे, डायरेक्शन बनाइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पर, यहाँ पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे करंट चल रहा है आई वन, तो यहाँ पे बनेगा ये अंदर की तरफ इन द मैग्नेटिक फील्ड बी टू, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी टू, राइट? तो अब यहाँ पे डायरेक्शन देखना है, देखो इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसमें करंट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे रूल यूज कीजिए, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चल रहा है, करंट डाउन की तरफ है, राइट? ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और करंट डाउन, राइट? देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और करंट डाउन चल रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे जो है फोर्स, हम मेरा इस डायरेक्शन में है, ये आ गया मेरे पास फोर्स, ठीक है? यहाँ पे खुद बताइए मुझे डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड देखो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दो अपनी ये वाली फिंगर, करंट अप, और ये अंगूठा किधर है, इधर इधर, ठीक है? तो टू पैरेलल कंडक्टर, इसका डायरेक्शन फोर्स का इधर और इसका डायरेक्शन इधर, तो अगर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा हो, दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल, ये रिपेल करेंगे, रिपेल, राइट? इस फोर्स के कारण दे विल रिपेल विद ईच अदर एंड दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स ऑल।